उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार मामला प्राइमरी स्कूल में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि यहाँ एक लीटर दूध में कई लीटर पानी घोलकर करीब 81 बच्चों में बांटा गया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला सामने आने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि मिड डे मील के नियम के मुताबिक 150 से 200 ml निर्धारित है। अब आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। जी आपको बता दें, घटना सोनभद्र के 54 ब्लॉक स्थित सलई बनवा प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है, जहां मिर्जापुर की तरह ही मिड डे मील में अनियमितता का मामला सामने आया है। यहां बच्चों को मेन्यू के मुताबिक दूध देते समय एक लीटर दूध में एक बाल्टी पानी मिलाकर बांटने का आरोप स्कूल प्रशासन पर लगा है। बताया जा रहा है कि एक लीटर दूध में पानी मिलाने के बाद उसे 81 बच्चों को बांटा गया। दूध में पानी मिलाने का वीडियो भी सामने आया है, जिसे शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इसके बाद गुरुवार को MBSA ने आरोपी शिक्षा मित्र को हटा दिया। शिक्षा विभाग का बयान है कि मामले में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि मामले में जांच शुरू कर दी है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पैकेट का दूध था और मैंने परीक्षा की है माँ समूह के लोगों से भी, जो यहाँ रसोईया हैं और उन्हीं के बच्चे हैं, क्योंकि यहीं के लोकल लोग हैं, तो उनका ये कहना है कि हमेशा दूध मिलता है सर, इत्तफाकन यहाँ चूँकि दूध की अनुपलब्धता के कारण शासनादेश है कि जो दूध जो अनुमन्य है खाद्य पदार्थों में पैकेट का, उसको पानी मिला के उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है एक संतुलित मात्रा में जल का। तो इत्तफाकन एक ही डिब्बा था, वो चले गए थे अध्यापक, जैसा कि मुझे बताया गया है। अभी जो बयान इन लोगों का मैं लूँगा और अन्य पहलुओं पर भी जाँच करूँगा, तो वो इत्तफाकन लेने गए थे। इसी बीच जो है कुछ यहीं के लोग इस चीज़ को जो है पानी मिला के या कैसे ज़्यादा उस चीज़ को मीडिया में देना या उसको फोटो खींचना, खींच के मीडिया में देना, इस तरीके की। तो क्या लगता है, क्या सोची समझी रणनीति के तहत करवाया गया? ये मैं नहीं कह सकता, ये जांच उपरांत और जो भी अगर कोई दोषी होगा तो निश्चित हो। सर, जांच कमेटी इसके लिए गठित की गई है क्या? मैं खुद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैं खुद आया हूँ, मैं खुद जाँच कर रहा हूँ और निश्चित तौर पे जो इसमें अगर लापरवाही या दोषी होगा तो इसमें कार्रवाई की।